हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। इन ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेंड। आपको पता है कि एस्टर हाइड्रोलिसिस जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि वाटर जब एक्सेस में लिया जाता है तभी वो रिएक्शन क्या बनता है? फर्स्ट ऑर्डर। अगर वाटर एक्सेस में ना हो तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। बिकॉज अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर, नहीं तो ये क्या है? सेकंड ऑर्डर है। अब आप देखो यहाँ पे कि हमें डिफरेंट टाइम्स पे ऊपर 30, 60, 90 सेकेंड्स के ऊपर एस्टर की डिफरेंट कंसनट्रेशन दी हुई हैं। जैसे दिया हुआ है कि भाई 0 पे 0.55, इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल कंसनट्रेशन हमें 0.55 मोलर दी हुई है, और 30 सेकेंड्स के ऊपर 0.31, 60 पे 0.17, 90 सेकेंड्स के ऊपर 0.085। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो प्रेजेंट है वो कम होती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन दी टाइम इंटरवल ऑफ 30 to 60 सेकेंड। 30 to 60 सेकेंड के टाइम इंटरवल के बीच में हमें एवरेज रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट ऑफ दिस एस्टर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एवरेज रेट कैसे फाइंड आउट करना है। हमें पता है दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक एवरेज रेट होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। जो हम माइनस डी ए बाई डी टी करके लिखते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, और जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, अगर मान लीजिए ए मेरा रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी करके जो लिखते हैं इट इज़ दी एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब हो गया जब टाइम इंटरवल आपका लार्ज है, ठीक है, विच इज इक्वल टू चेंज इन कंसनट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम, तो उससे एवरेज रेट आ जाएगा। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग दी इट्स फर्स्ट पार्ट, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमारा पहला पर्पस है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना एस्टर हाइड्रोलिसिस का। अब देखिए यहाँ पे एवरेज रेट का मतलब हो गया, जब भी आप रिएक्टेंट का रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो आप माइनस का साइन शो करते हो, बिकॉज इट शोज दैट कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, माइनस चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक। अब मेरा चेंज इन टाइम कौन सा है? 60 to 30 सेकेंड, मतलब 30 to 60 सेकेंड के बीच में, जब 30 से 60 सेकेंड के बीच में हुआ तब एवरेज रेट फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन टाइम हो गया फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, फाइनल मेरा 60 सेकेंड है और इनिशियल कहाँ से स्टार्ट करना है? 30 सेकेंड्स पे। 60 सेकेंड्स पे जो एस्टर की कंसनट्रेशन है माइनस दी एस्टर कंसनट्रेशन प्रेजेंट एट दी 30 सेकेंड्स, ठीक है। ये चीज़ फिर से देख लीजिए, चेंज इन कंसनट्रेशन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल कंसनट्रेशन आपके कौन से इंटरवल की लेनी है? 60 सेकेंड, और इनिशियल कहाँ से आपने स्टार्ट करना है? जीरो से नहीं, आपको लेना है 30 सेकेंड्स पे लेना है। तो फाइनल कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर माइनस दी कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर एट 30 सेकेंड अपॉन चेंज इन टाइम, 60 माइनस 30। तो एस्टर की कंसनट्रेशन 60 सेकेंड पे कितनी प्रेजेंट है हमारे पास? 0.17, और 30 सेकेंड्स पे कितनी प्रेजेंट है? 0.31, 60 सेकेंड्स पे 0.17 मोलर है, और 30 सेकेंड्स पे ये हमारे पास है 0.31 मोलर, और चेंज इन टाइम कितना हो गया? 30 सेकेंड्स, ठीक है। ये चीज़ तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 4.67 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब आपको समझ आ गया एवरेज रेट कैसे फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, हमें फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट, ठीक, और हमें डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर दी हुई है। तो इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे आप? इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। जब डिफरेंट टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी हो तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का मतलब आप फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, तो उसमें 30 सेकेंड 60 सेकेंड 90 सेकेंड पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे जो कि नियरली सेम ही आएगी। तो अब के क्या होगा? के होगा मीन ऑफ दीज वैल्यूज। तो आपको समझ आ गया कि हम सेकेंड पार्ट अब कैसे करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग दी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें हमें एवरेज रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं,
तो हमें डिफरेंट टाइम इंटरवल्स जैसे 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड्स के ऊपर एस्टर की कंसंट्रेशन दी हुई है और इनिशियल कंसंट्रेशन भी दी हुई है. जब भी टी इक्वल टू जीरो के ऊपर कंसंट्रेशन दिया हो, प्रेशर दिया हो, तो इसका मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर होता है. तो हमारे पास डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट कंसंट्रेशन दी हुई है इन द यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, ठीक. और ये सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन किसकी लगेगी? फर्स्ट ऑर्डर की, दैट इज 2.303 बाय टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द एस्टर प्रेजेंट एट टाइम टी, ठीक. अब हमने क्या करा, जो ये 30, 60, 90 इन तीनों के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. जैसे K1 ये हमने 30 सेकंड्स पे फाइंड आउट करा, 2.303 अपॉन 30 लॉग. इनिशियल कंसंट्रेशन तो हर जगह पे सेम ही रहेगी, 0.55. चेंज क्या होगा? टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर लेफ्ट जो है वो टाइम के साथ क्या करती जाएगी? चेंज होती जाएगी, कम होती जाएगी. अब देखिए 30 सेकंड में ये कितनी प्रेजेंट है? 0.31, ठीक. तो 0.55 बाय 0.31 ये सॉल्व करने के बाद आपने लॉग लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.91 × 10⁻²⁺ सेकेंड इनवर्स. अब हमने K2 निकाला, 2.303, अब 60 सेकेंड्स पे लिया तो लॉग ऑफ 0.55 बाय 0.17. देखो यहाँ पे लेफ्ट कंसंट्रेशन, प्रेजेंट कंसंट्रेशन एट टाइम टी 60 सेकेंड पे वो चेंज होती जाएगी. अब K3 2.303 बाय 90 लॉग ऑफ 0.55 बाय 0.085 ये हो गया हमारे पास. तो ये K3 आ गया हमारे पास. अब हमने रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? मीन ऑफ दीज थ्री, K1 प्लस K2 प्लस K3 बाय 3, ठीक. इन तीनों की वैल्यू डाल दी, 10⁻²⁺ को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास ये रेट आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया, दैट इज 1.98 × 10⁻²⁺ सेकेंड इनवर्स. अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि जब हमारे पास डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दी होती है तो इंटीग्रेटेड मेथड लगता है टू फाइंड आउट दी रेट कांस्टेंट, ठीक है. इसमें तो पहले ही उसने दिया हुआ था कि व्हाट इज दी रेट कांस्टेंट फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर. कई बार ये भी क्वेश्चन होता है कि आपको ऑर्डर भी फाइंड आउट करना होता है, तो आप ये कहते हो कि हाँ भी मैंने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की ली है, ठीक. आई एम एज्यूमिंग इट टू बी फर्स्ट ऑर्डर. अगर K1, K2 की वैल्यू नियरली सेम आ जाती, जो कि इसमें आ ही रही है, 1.91 आ रहा है, फिर आ रहा है 1.96 × 10⁻²⁺, तो आपने कहा भी हाँ भी ये डाटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए है. अगर ये वैल्यू डिफरेंट आती तो आप कहते कि ये डाटा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है. आपको मेरी बात समझ आ गई कि अगर डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट कंसंट्रेशन दी हो तो अगर आपको ऑर्डर भी फाइंड आउट करना होता तो आप एज्यूम कर लेते कि ये डाटा फर्स्ट ऑर्डर का है. हमेशा फर्स्ट ऑर्डर से शुरू करो, फिर जीरो ऑर्डर पे जाओ, फिर सेकंड ऑर्डर पे जाओ, जल्दी इन तीनों में आंसर मिल जाएगा आपको. तो फर्स्ट ऑर्डर की आपने इंटीग्रेटेड इक्वेशन लगाई, ठीक. अगर ये डाटा आपका फर्स्ट ऑर्डर का है तो K1, K2 से ही आपको पता चल जाएगा कि ये डाटा फर्स्ट ऑर्डर का है या नहीं है, क्योंकि K1, K2 की वैल्यू नियरली क्या आनी चाहिए? सेम. और अगर सेम नहीं आ रही है देन दिस डाटा इज नॉट मेंट फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर, फिर आप जीरो ऑर्डर के लिए ट्राई कर लो, देन दी सेकेंड ऑर्डर. ये अजम्पशन पे होता है, ठीक. पर इस केस में उसने पहले से ही बोला कि ये डाटा किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर. अब अगर हमें पहले से ही पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है और मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक, तो उस केस में K1, K2, K3 की वैल्यू निकालो और उसकी मीन ले लो. आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है. तो अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड रेफर टू अदर पीपल ऑल्सो. थैंक यू.